अब हमारे रमज़ान लगे हैं, रमज़ान के नौ औरतें लगे हैं, नौ औरतें में हर साल बंद होती हैं, तो अब के बंदों को क्या हो गया? स्वागत कर रहे हो? बिल्कुल स्वागत सही, बहुत सर। हम तो कह रहे हैं एक महीना साला बंद रहे, हमारे मुफ्ती लोग कह रहे हैं कि एक महीना बंद करो पूरे रमज़ान। स्वागत कर रहे हो क्या? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद। और क्या, आपका त्यौहार है, मीठी दुकानें खुलना चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। दोनों लोगों का त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार पढ़ रहे हैं, रमजान पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हिंदू तो नहीं खाता मीट, क्यों नहीं खाते हैं? वो मुर्गा खाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए तो कई करोड़ का हो जाए तो नुकसान। अच्छा, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन स्वागत पूरा। मैं इस वक्त गाजियाबाद के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मौजूद हूं, और यहां से ठीक आगे की तरफ जाएंगे तो यहां पर लगभग दो से तीन गलियां ऐसी हैं जहां पर मीट की दुकानें हैं। जनता से बात करेंगे कि आखिर जनता इस आदेश को कैसे देख रही है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा शमशाद नाम है, चाचा बिरयानी के नाम से मशहूर है। अच्छा, चाचा बिरयानी, शमशाद जी। शमशाद जी, योगी का एक फरमान आया, एक आदेश आया है, शासन आदेश आया है कि 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद, क्योंकि हिंदू धर्म का जो त्यौहार है नवरात्र, जिसमें माता की पूजा होती है। जी जी जी, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं इसके साथ में, हम स्वागत करते हैं, स्वागत कर हम स्वागत करते हैं। सरकार के आदेश है, उनके साथ में चलना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा सबका। हाँ, उसका स्वागत करते हैं, सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये सबका वजह इसमें स्वागत कर रहे हैं। चाचा आपका क्या कहना है? जो इनका कह रहा हो, हमारा कहना क्या कहना, इनके कुआओ स्वागत कर रहे हो, विरोध? स्वागत ही है सरकार का, स्वागत करने पड़े हैं। सरकार जब आई है, नहीं तो स्वागत दोबारा आई है, सरकार का स्वागत तो करने पड़ेगा। कैसे तो नहीं, योगी से डर रहे हो? योगी से काहे को डर रहे हैं? हम किसे न डरते, योगी और मोदी जी हो में कोई भी, हम डर रहे किसी भी। योगी डरा तो नहीं रहा? नहीं, कैसे डराएंगे, किस भी किस चीज से डराएंगे वो, और डराएंगे किस चीज से, बताइए। कैसी लगी सरकार? सरकार सही है, बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका। हाँ बड़े मियाँ, क्या कहोगे 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद? ठीक है जी भाई साहब, जो उनकी आज्ञा वो तो करना पड़ेगा। अच्छा। और अपने अपने जो त्यौहार होते हैं, वही त्योहारों में होना पड़ता है भाई साहब। अब हमारे रमज़ान लगे हैं, रमज़ान उनकी नौ औरतें लगे हैं, नौ औरतें में हर साल बंद होती हैं, तो अब के बंदों को क्या हो गया? स्वागत कर रहे हो? बिल्कुल स्वागत सही, बहुत सर। 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद, क्या कहोगे? बंद तो है ही, लेकिन परेशानी भी है कि रोज़ रमज़ान में बिना मीट के रोज़ा नहीं रखा जाता। अच्छा, यानी कि रमजान में मीट चाहिए चाहिए चाहिए, 30 के 30 दिन चाहिए। अच्छा, 30 के 30 दिन चाहिए, रेगुलर चाहिए, सुबह भी चाहिए। 9 दिन तक तो बंद है मामला, नहीं होगा तो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, बर्दाश्त, जरूरी भी नहीं है चाहिए। अच्छा, जरूरी भी नहीं चाहिए। 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद है? कोई बात नहीं, हिंदू धर्म है ये, हिंदू देश है ये, नवरात्रे भी यहाँ पे साथ में बनेंगे और ईद भी साथ में बनेंगे, सब एक धर्म है और सब मिलजुल के बनाएंगे, सबका सहयोग, सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, चलिए भी स्वागत कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करता हूँ, पूरी की पूरी दुकान लगी हुई है, मुल्ला जी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये बताएंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सगीर अहमद है। सगीर अहमद भाई, क्या कहोगे 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद? हमारी तो खुद दुकान बंद है मीट के चक्कर में। मीट के चक्कर में? हाँ। अच्छा, स्वागत कर रहे हो कि विरोध कर रहे हो? हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, दोनों के बारे में जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा सही हो रहा है। हाँ, सही हो रहा। यानी मीट की दुकान बंद हुई तो सही हुआ? अब सही गलत क्या कह सकते इसमें? हाँ। आप क्या कहोगे भैया 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद? सर कहेंगे क्या, दोनों का त्यौहार है, मीट की दुकानें खुलना चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। दोनों लोगों का त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार पढ़ रहे हैं, रमजान पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हिंदू तो नहीं खाता मीट, क्यों नहीं खाते हैं? वो मुर्गा खाते हैं, क्यों नहीं खाते? इसमें नवरात्रों में, नवरात्रों में वो नहीं खाते, हम तो खाते हैं, मुसलमान तो खाते हैं। त्यौहार तो दिन तक बंद रहेगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो, मजबूरी है फिर, मजबूरी है, जैसा गुजारा होगा वैसा करना पड़ेगा। 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा है, बंद होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 9 दिन तक जो धर्म, एक हिंदू धर्म का जो त्यौहार है, उसका स्वागत कर रही है। ठीक है, हाँ करना है, इसमें अपना होना चाहिए, हर धर्म के होना चाहिए स्वागत, तो हर धर्म का ही होना चाहिए, तो इसमें होना करना चाहिए, सब कुछ सबका ही करना चाहिए, हिंदू का भी मुसलमान का भी, सभी धर्मों के होने चाहिए अपने। तो महिलाएं स्वागत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगी 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद? अब भैया बंद होगी तो और क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है कि गलत है? ठीक है, है? ठीक है, और क्या कहेंगे? ठीक है, अब होगी तो होगी, अब क्या करें?
क्या जब मुसलमानों का त्यौहार आप तब भी ऐसी बात होती है, इनके त्यौहार पर क्यों नहीं होती? अब मुसलमान का कौन सा त्यौहार है, हिंदुओं का और मुसलमान का दोनों का त्यौहार है? रमजान चल रहे हैं तो मीट खाना जरूरी है? तो कोई जरूरी है जो वो करना ही, वो जो बंद करनी दुकान है? यानी मीट नहीं खाओगे 9 दिन तक तो रमजान नहीं होने के क्या? ना होते हैं। अच्छा, मतलब मीट खा के ही रमजान होते हैं? बिल्कुल होंगे। तो विरोध कर रहे हो आप? बिल्कुल विरोधी है। चलिए, इनका कहना है कि मीट खाकर ही रमजान में वो खुलता है रोजा। भाई क्या कहोगे, विरोध या फिर इसका स्वागत? देखो जी, यो कर रहा है वो ठीक है। एक पहले तो मेरी बात सुनो, ये तुम यहाँ लेके आते हो हमारा फोटो आते ना, हमने 10 बार मीडिया पे बोला। बताओ, मीट की दुकानें बंद है, इसका स्वागत कर रहे हो कि विरोध कर रहे हो? देखो, मीट की दुकानें बंद होने से इतना फर्क नहीं पड़ा है जितना होटल बंद होने से फर्क पड़ा है। क्योंकि कोई आदमी 40,000 किराया दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, लेबर साथ में है, 9 दिन में क्या करेगी बताओ पब्लिक, क्या करेंगे दुकानदार? तो सादा शाकाहारी बेचो आप, ठीक है? नहीं चलेगा। नहीं यार, जो होटल मुर्गे का है वहाँ मुर्गा लेने आएगा, सब्जी लेने नहीं आएगा कोई। सबको पता है कि 9 दिन तक नहीं मिलेगा। ठीक है, गोश्त की दुकान है बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मगर होटल तो खुलने चाहिए। अच्छा भाई, उन लोगों का भी तो नुकसान है। गोश्त की दुकान ही बंद रहेगी तो होटल पे गोश्त कौन देगा? मैं तो बंद नहीं है, दिल्ली में क्यों नहीं है बंद? दिल्ली में योगी नहीं है ना? तो यहाँ तो बंद 5 साल पहले भी था, अब क्या भी होना था? योगी सरकार पहले भी थी और आज भी है भाई, कड़क सरकार है योगी सरकार, कड़क सरकार। हाँ जी, जैसे उन्हें अच्छा लग रहा है, बट ठीक ही कर रहे हैं वो, हम क्या कह सके इसमें बताओ। योगी के साथ इसका स्वागत कर रहे हो कि विरोध कर रहे हो? योगी जी की और मोदी जी की जय, जैसे वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं बस। गलत नहीं कर रहे बब, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं ठीक है, बस ठीक कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हो कि विरोध कर रहे हैं? बस हम तो स्वागत ही कर रहे हैं भैया। अच्छा, योगी के आदेश का स्वागत? स्वागत ही है। एक मीट व्यापारी है मेरे साथ हैं सर, शासन का एक आदेश आया है, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, 9 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी? ना तो हम विरोध कर रहे हैं ना हम स्वागत कर रहे हैं, जैसा चल रहा चलने दो, जैसा चल रहा चलने दे। यानी मन में कुछ तो होगा कि सरकार ने आदेश दे दिया 9 दिन के दिन में कोई भूखे मर जाएंगे, कोई बात नहीं 9 दिन बंद कर लेंगे। 9 दिन बंद हमें खुशी है भाई, हमारे भी कल से रमजान चालू हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने हिंदुओं भाई के लिए 9 दिन नहीं खाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा रमजान चालू हो रहा, हम लोग मीट मच्छी छोड़ते नहीं, लेकिन अपने हिंदू भाइयों के लिए हम 9 दिन छोड़ने को तैयार हैं। सर आप क्या कहेंगे, 9 दिन एक आदेश आया है कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी, और क्योंकि हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है 9 दिन नवरात्रि, जो माता की पूजा करते हैं? देखो, योगी बाबा का जो आदेश है, जो उनका शासन प्रशासन का जो भी आदेश है उसका पालन कर रहे हैं लोग, सभी लोगों के लिए ये तो भाई उनका भी धर्म है हमारा भी धर्म है, ठीक है, जो चल रहा है सिस्टम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे मास्टर जी, 9 दिन का एक आदेश आया है कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित कर दिया, प्रशासन को आदेश दे दिया, कोई भी मीट की दुकान ना खुलने पाए। देखो, जो कानून जो बना हुआ है जैसे खोलने का या बंद करने का, वो तो प्रशासन जो कहेगा वो तो पब्लिक को माननी पड़ेगी बात को। अब ये तो है नहीं कि अगर प्रशासन कहेगा कि मतलब बंद करो तो बंद ही करनी पड़ेगी, खोलो तो खोलनी पड़ेगी, अब जैसा है ऐसा चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वागत कर रहे हो? ये स्वागत क्या है, बस ये है कि देखो स्वागत भी है और थोड़ा विरोध भी है भाई, स्वागत पूरा है और थोड़ा विरोध भी हल्का हल्का, ये तो नहीं कि पूरा ही स्वागत है पूरा ही विरोध करेंगे, जैसा कानून है ऐसा चलता रहे। यानी विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध कहाँ हो रहा है, ये तो बस बंद के तहत एक थोड़ा सा लोगों में ये रहता है कि भाई हमारा काम धंधा पिटा हुआ है या कोई दुकानदारी है, किराया भी देना पड़ता है लोगों को 8-9 दिन में ही। कौन सा ऐसा लग रहा है कि 9 दिन में सब काम धंधा बंद हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं है कि काम धंधा बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अगर आप कोई आप किराए पे दुकान ले लोगों ही, अगर इसकी दुकान का किराया 10,000 रुपये हो और 9 दिन का किराया अगर मालिक छोड़ता है तो उसे आप पता करो कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हूँ और 9 दिन का ये आदेश आया है कि कोई भी मीट की दुकान 9 दिन के अंतर्गत नहीं खुलेगी, क्योंकि हिंदू धर्म का ये जो त्यौहार है 9 दिन का, इसमें माता की पूजा होती है और शासनादेश यही है कि मीट की दुकान नहीं खुलेगी। बाबू जी, 9 दिन तक ये शासनादेश है कि कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी? अरे हम तो कहें तुम 1 महीना मत खोलो, हमें हमारे रमजानों में ही बंद करो, हमें रमजानों में बंद करो, लेकिन मुसलमान झेलेगा हिंदू भाई पर नहीं झेलेगी, ये हम बता रहे हैं आपको। हम तो कह रहे हैं 1 महीना साला बंद रहे, हमारे मुफ्ती लोग कह रहे हैं कि 1 महीना बंद करो पूरे रमजान। स्वागत कर रहे हो क्या? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद। और क्या, 1 महीने रमजानों सब 9 दिनों की भी चल रहे हो और ये भी चल रहे हो, सब करा बंद। अच्छा, यानी कि नवरात्रों में भी और रमजान में भी बंद कर देनी, बंद करो और क्या।
अच्छा। हाँ, जब जब अपना ला नहीं बना हमारा बंद करो। देखिए दोनों धर्म का त्यौहार है, रमजान में इनका कहना है कि रमजान एक महीने का होता है और एक महीने के रमजान में भी मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? चलिए ये तो अंदर चले गए, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और मीट की दुकानें जिस तरीके से बंद करवाई गई है, क्या कहेंगे भाई? मीट की दुकानें 9 दिन तक बंद। चलिए, और ये नहीं बोलना चाह रहे, हाँ भाई साहब, मीट की दुकानें 9 दिन तक बंद। बंद बिल्कुल, 10 दिन तक, बिल्कुल 10 दिन तक बंद। 10 दिन तक? बिल्कुल 10 दिन तक। स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस कदम का? हाँ जी, पक्का। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाए, कई करोड़ का हो जाए नुकसान। अच्छा, स्वागत कर रहे हैं? लेकिन स्वागत पूरा पूरा स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल। ये भाई है, क्या नाम है जी? मेरा नाम यामीन है। है जी, यामीन, मोहम्मद यामीन है, जो कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 दिन तक बंद रखने के लिए मीट की दुकानें हम तैयार हैं।